तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिष्माद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कबलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथाथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। काल हमने आप लोग के निकट गोपाल भट्ट गोस्वामी की अपराकृत जीवन चरित कथा कीर्तन करने के लिए प्रयास कर रहा था। सर्व गोस्वामी की में अन्यतम जो है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी है से गुणमंजरी कहा जाता है। गौर गणदेश देवी का ग्रंथ में उनके गुणमंजरी के रूप में कहा गया, कहीं कहीं उनके अनंग मंजरी के रूप में भी कहा गया, दो नाम दिया। जिसमें ये मैं बता रहा था ये चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण करते हुए श्रीरंग में पहुँचे और महाप्रभु के उद्दंड नित्य आदि देख करके ये भट्ट परिवार विशेष रूप में प्रभावित हुए, आश्चर्यचकित। ये महाप्रभु के ऐसे सुंदर नाम संकीर्तन और फिर उन्होंने अपने गृह में महाप्रभु के बुलाया और महाप्रभु उन लोग के गृह में चार महीने काल तक रहे। कितने महीने? चातुर्मास पालन के व्रत पालन कर वेंकट भट्ट त्रिमल्ल भट्ट प्रबोधानंद सरस्वती पाद और गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय छोटा था। महाप्रभु के मुखारविंद से नित्य प्रत्यह जो है सुंदर सुंदर ताजे ताजे कथा जो है श्रवण करते थे। विशेष करके महाप्रभु रायरमंद के साथ जो वार्तालाप हुई उसी कथा को महाप्रभु उनके साथ कीर्तन करने लगे। विशेष करके राजलीला की कथा उनके सुनाया है। ये भक्त परिवार जो है सब विद्वान भी थे, विशेष करके दक्षिण देश के लोग जो होता है संस्कृत में पंडित होता है और विशेष करके रामानुज संप्रदाय के जो है लोग
ये लोग बहुत सुंदर संस्कृत में विशेष ज्ञान भी रखते हैं। इसलिए महाप्रभु यज्ञ जान करके इन लोग के निकट ये सब कथा भी सुनाया है, जिस कथा में काल में थोड़ा सा आप लोग के निकट प्रस्तुत किया था। ये कृष्ण राज से अंतर्ध्यान होने के बाद है गोपियाँ विरह में उत्कंठित होकर के यमुना में आकर के कृष्ण के सुंदर मधुर लीला चरित्रों के जो है सुमधुर स्वर से कीर्तन करने लगे है। और कृष्ण ये तब रह नहीं गया और अंत में कृष्ण वो गोपी समाज में प्रकटित हुए। तासांगाभिर हुई सौरी स्मयमान मुखाम्बुज, इस श्लोक के द्वारा। इसके पश्चात गोपियों ने कृष्ण के जो है आसन दिया, कौन सा आसन दिया है, अपने अपने दुपट्टा जो है वो भी कैसे था, धूल में धूसरित हो गया है और आंखों के आंसू और वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित हुआ था, वो भिगा हुआ भी था है। भगवान ने कहा कि उनके दिए हुए आसन में बैठे और देखो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवतालोक भगवान की चरण कमल के दर्शन करने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं, हृदय निर्मल आदि करते हैं, किंतु तथापि उनके हृदय में भगवान कभी प्रकट होते हैं कभी भी नहीं होते। यद्यपि समाधिषु विदुरपि पश्यति तव नखाग्र मरीचि है। कृष्ण देव भवंत वंदे रूप को सही पाद वर्णन करें, ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोक कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं चित्त के निर्मल करा करके और भगवान की चरण कमल के प्रकाशित करना चाहते हैं, किंतु तथापि कभी उदित होते हैं कभी नहीं होते हैं। और वो स्वयं कृष्ण उसी सभा में देखो गोपी समाज में कैसे प्रकट हुए और गोपियों के दिए हुए वो आसन में कैसे बैठे। भगवान ने ऐसे भी लीला प्रकट की, सब गोपियां सोचने लगी मेरे दिए हुए आसन में कृष्ण ही बैठे हुए हैं। इसके पश्चात गोपियों ने कृष्ण के कुछ प्रश्न पूछा था, वो हमें स्मरण करना चाहिए, बार बार अनुशीलन करना चाहिए है? आज मैं उसके पढ़ रहा था बार बार, ये कितने सुंदर प्रश्न आदि जो है। गुरुदेव तो इसको मथुरा में श्रवण कराया था है? और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सुंदर टीका भी है, जो नौ प्रश्न जो किया था है? काल बताए कितने प्रश्न, नौ प्रश्न। पहली जो प्रश्न था जो प्रेम करने पर कोई प्रेम करता है, प्रेम करने पर जो प्रेम करता है और प्रेम, अच्छा धन्यवाद, और प्रेम करो अथवा नहीं करो उस प्रेम करते हैं। तीसरी जो है प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो किसी के साथ प्रेम नहीं करते है? और चौथा था, चतुर्थ क्या था, आत्माराम आप्तकाम अकृतज्ञ और गुरुद्रोही बा अपराधी है? इनके साथ प्रेम करो तो आपके कुछ फल नहीं मिलेगा है? इस प्रकार कृष्ण एक गोपियां नौ प्रकार के प्रेम, एक होता है हेतु और एक होता है और हेतु अहेतु। देखो कृष्ण कैसे सुंदर दीनहीन होकर के उत्तर भी दिया,
है, जिसे कहते हैं प्रेम करने पर जो प्रेम करता है इस संसार में देखा जाता है, वो क्या कौन सा कैटेगरी में होता है, है? बिजनेसमैन, बनियागिरी। बाजार में गए, 50 रुपये आपने दिया, 1 किलो चीनी प्राप्ति हुई, आपके कम भी नहीं देंगे ज्यादा भी नहीं देंगे, इंडियन के तो होता है थोड़ा कम दे देंगे, है? यूट्यूब में दिखाते हैं ना अच्छा अच्छा फल दिखाएंगे और तोल भी मार लेंगे और बुरी कहाँ से कहाँ से फल दे देंगे, घर में जाकर के आपके पता लगेगा सड़ा गड़ा आ गया, है? ढाकर वाला ऐसे करते हैं, है? इस प्रकार के प्रेम करने जो प्रेम करता है वो यथार्थ तो प्रेम नहीं है, वो बनियागिरी प्रेम होता है, है? वो क्या होता है, उसे कहा जाता है वो प्रेम है ये सोपाधिक प्रेम कहा जाता है, उपाधि युक्त है सार्थ युक्त प्रेम कहा जाता है, है? अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए ही वो प्रेम करते रहते हैं और कुछ नहीं है, है? सुंदर मीठी बात भी करेंगे सब कुछ करेंगे, किंतु जब अपना जब कार्य सिद्धि हो गया चलो, है? इसलिए वो प्रेम के कहा जाता है उसमें ना कोई सौहार्द भाव है ना उसमें कोई धर्म है, उसमें कोई सौहृद भाव नहीं है, माने प्रेम प्रति नहीं है, मित्रता के भांति कोई बात नहीं रहता है, है? इसलिए कृष्ण कह रहे हैं आप लोग के साथ हमारे ऐसे नहीं है, है? दूसरी जो प्रेम प्रेम करो बा न करो वो प्रेम करते हैं, इस संसार में दो प्रकार की व्यक्ति है, वो है माता पिता पुत्र कन्या के लालन पालन करते करते कि नहीं करते, है? और दूसरी है करुणाशील गण जो है दूसरे के पास करुणा करने के लिए, है? जैसे प्रहलाद आदि की कथा है, नृसिंहदेव ने कहा प्रहलाद वर मांगो, प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, प्रायण देव मुनयो सभी मुक्त कामा मूडं चरंती विचरण प्रार्थना निष्ठा, है? इस संसार में लोग जो अपने कठोर तपस्या आदि करते हैं, है? वो अपने उद्धार के लिए मुक्ति के लिए, है? किंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु ऐसे में नहीं चाहता हूं, है? इस संसार में जितने भी लोग हैं, है? सभी लोग आप उद्धार कर दीजिए, है? और प्रहलाद महाराज भी इतने भी कहा प्रभु समस्त जीवों की पाप भोगने के लिए, है? सहस्र जनी भोगने के लिए मुझे नरक में भेज दीजिए, है? और सभी लोगों के आप संसार से उद्धार कर दीजिए, ऐसे कोई करता है? मैं समस्त जीवों के पाप भोगने के लिए नरक में जाऊंगा, है? और ये समस्त जीवों की आप संसार से उद्धार कर दीजिए, इसी कहते हैं करुणा, है? संसार में भी देखते हैं करुणाशील जीव कितने लोग संसार में सर्वत्र भ्रमण आदि करते हैं, इसलिए संत महात्मा भ्रमण करते हैं, निज कार्य नहीं प्रभु जान पर घर, महांतर स्वभाव यही तारित पामर निज कार्य नहीं प्रभु जान पर घर, संत महात्मा जो भ्रमण आदि करते हैं किस लिए जाते हैं, है? जीव उद्धार के लिए जाते हैं और कोई कारण नहीं है, है? गुरु वैष्णव जो घर घर जाते हैं, है? धन कमाना उसके उद्धार उद्देश्य नहीं है, मिल जाए तो अच्छा ही है, गुरु वैष्णव की सेवा होगा, इतने सुंदर मंदिर बैठने के लिए सब प्रकार की व्यवस्था हो, है? और नहीं मिले तो कोई भी बात नहीं, इसलिए गुरुदेव कहते थे देखो प्रचार में दो हमारे एसेट्स है संपत्ति है, क्या क्या, एक है मनी पावर और एक होता है
मेन पावर टू एमपी हाँ दो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखो धन मिल जाए यदि कोई भगवान गुरु वैष्णव की सेवा के दिया तो उसके लिए भक्तों के व्यवस्था होगी है। जैसी यदि ऐसे मंदिर नहीं बनते हम लोग कहाँ बैठते है। आ, बात ही सही है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फैन घूम रही कि नहीं घूम रहे, इसे बिल नहीं लगता है आप बताओ। लोग जो दान दक्षिणा जो कुछ भी देता है इसमें यदि खर्च होता है रहता है। संत महात्मा कोई बेटा बेटी है जिसे शादी विवाह कराना है, वो तो अपने घर संसार छोड़ करके आए, वो तो संग शादी नहीं किया है, वो शादी कराते हैं। अच्छा बताओ, जो धन मिल गया है कोई भगवान की सेवा के लिए वो सेवा आदि करते रहते है। इसलिए कहते हैं अपने कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रूप में। भक्ति संत प्रभुपाद ने तो इतना ही कहा दिया, देखो मुझे यदि धन मिल जाए मैं एक विमान खरीद लूंगा प्लेन है। सब लोग बोले आप प्रभुपाद ऐसे क्यों कह रहे। बोले हाँ विमान खरीद करके क्या करेंगे, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे और महाप्रभु के वाणी को प्रचार करेंगे। वैकुंठ वार्ता प्रचार करना है, समझ। और कोई कारण नहीं है। संत महात्मा जो देश विदेश में जहीं पर भी जाते हैं जाने के उद्देश्य एक ही रहता है, है? जीवन की है? ऐसे सुंदर सुंदर कथा सुनाए जिसे आप लोग आए हैं, देश विदेश से सभी लोग आए भजन कर रहे। एक जीवन की भजन में उन्मुख कराने में कितना कष्ट होता है, ऐसे थोड़ी आ जाता है। तो संत महात्मा जो है इसलिए कहते हैं कारुणिक करुणा करते हैं, करुणा करते हैं सब जीवों के प्रति, करुणा करके भगवत कथा श्रवण आदि करा। और दूसरी जो माता पिता की बात सुनाई है पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, माता पिता अपने कर्तव्य ही है, पुत्र कन्या को जन्म दिया उसके पालन पोषण करना उसके कर्तव्य है। माता पिता ये नहीं सोचते हैं जय मैं वृद्धा हो जाएंगे है, मेरा बेटा मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे। अरे संसार में ऐसे भी बहु पुत्र है, है? विवाह होने के बाद है क्या करते हैं, अपने पत्नी को लेकर के चले जाते हैं, माता पिता के ऊपर देखती नहीं है कहाँ रहते हैं क्या नहीं, ज्यादातर अधिक रूप में ही ऐसी होती। अथवा विदेश में तो और भी क्या बताएं क्या होता है, वहाँ पर ओल्ड हाउस में भेज देते हैं, चलो कौन देखे कौन करे है। आज विदेश में जो है अधिक रूप में कोई माता पिता की सेवा नहीं करते, कहाँ भेज देते है वृद्धाश्रम में भेज दो है। आज तो कहाँ सेवा दी, किंतु भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कृष्ण भी उसी प्रकार कह रहे हैं, ये प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो वे लोग प्रेम करते हैं। जैसे माता पिता और ऐसे महान भक्त जो है करुणा आदि करते सब जीवों के प्रति है, और कोई कारण नहीं है। इसलिए प्रचार आदि के दो लक्ष्य रहते हैं हमारा, ये कैसे जीव सब जीव कैसे भगवान की भजन करे। और यदि धन संपत्ति कुछ मिला प्रभु के सेवा में लगाए है? आ समझ। अच्छा किंतु देखो एक होता है संबंध युक्त और एक संबंध शून्य होता है, है? प्रेम होता है एक संबंध युक्त और एक संबंध शून्य प्रेम होता है, है? संबंध युक्त जो प्रेम होता है और संबंध रहित वो एक दूसरे के साथ रहता है वो भी ठीक नहीं रहता। संबंध युक्त होकर के प्रेम होना चाहिए है। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं संबंध युक्त है, संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अकारण है।
और इससे एक के दुख में दुखी होता है, एक सुख में सुखी होता है। तुम्हारे सेवाए दुख है जत सही तो परम सुख है, सेवा दुख सुख परम संपद नाशय अभी भक्तिमान ठाकुर का है। देखो कृष्ण उसी प्रकार कहने लगे और गोपियों की फिर कहने लगे। देखो तृतीय प्रश्न क्या था, प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करते। इस संसार में ऐसे कुछ लोग हैं, प्रेम करो अथवा नहीं करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करते है? वो एक प्रकार पशु जाति जैसे, आप देखो बंदर के है ना, खिलाओ है वो खाएगा, जाने के समय आपके भी मार करके चश्मा भी लेकर के जाएगा, चश्मा दूसरी बार काट काटेगा है? तुम्हारे खाएगा है? जिस पत्तल में खाएगा उस पत्तल को क्या करेगा, छेद करेगा है? इस संसार में ऐसी प्रकार की कुछ। चौथा कहा था क्या, आत्माराम आप तो काम है, और अकृतज्ञ और गुरुद्रोही अपराधी है। ये आत्माराम है, कृष्ण कहते हैं देखो जो आत्माराम व्यक्ति जो होते हैं है, आत्माराम किसको कहा जाते हैं, जिसके बहिर्दृष्टि नहीं है अंतर्दृष्टि में रहता है, है? उसके उदाहरण कौन है, सुखदेव गोस्वामी पाद दे रहे हैं है? सुखदेव गोस्वामी पाद मातृगर्भ में जन्म लेने के पश्चात जब जंगल के उछलने लगे, उनकी बहिर्दृष्टि कुछ नहीं हुआ है, अंतर्दृष्टि है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब सुखदेव गोस्वामी पाद चलने लगे और उस सरोवर में कुछ स्त्रियां जो है विवस्त्र होकर स्नान कर रही थी, और सुखदेव गोस्वामी पाद चले गए, उनके भी लज्जा फज्जा कुछ नहीं हुआ, ना वस्त्र पहना ना कुछ, और उसके पीछे उनके पिताजी व्यासदेव है वृद्ध हो गया है, और उनकी लंबे दाढ़ी और सब ये क्या बोले, क्या पड़ गया, झुरी पड़ गया है। देखो उनको देख करके वो क्या की, जल्दी जल्दी आ करके कपड़े वस्त्र आदि धारण किए। व्यासदेव ने तो यही प्रश्न पूछा, जी मेरा युवक लड़का करीब 12-14 साल के 16 साल के लड़का, आप लोग के होते पास होते चले गए, आप लोग के कुछ ना विकार हुआ ना उनके कुछ विकार, और मैं जैसे वृद्ध है और मुझे देख करके आप लोग के क्यों लज्जा वस्त्र धारण, आप लोग लज्जा वस्त्र क्यों धारण है? अच्छा देखो, क्योंकि अंतर्दृष्टि सुखदेव गोस्वामी पाद के जो है आत्माराम जो व्यक्ति होते हैं वो बहिर्वस्तु वस्तु नहीं देखते हैं, अंतर वस्तु में अंतर नहीं वो था है? और आप तो काम कौन होता है, विषय दर्शन होने पर भी भोग में किसी प्रकार इच्छा नहीं रहते है। उसके उदाहरण कौन है, कौन है, जनक महाराज है। जनक महाराज के उदाहरण दिए गए, राजा होते हुए पर भी किसी भोग के प्रति उनकी ये नहीं है। इसलिए आप्तकाम पुरुष है जनक महाराज के उदाहरण, वास्तव रूप में विषय दर्शन होने पर भी भोग की किसी प्रकार आकांक्षा नहीं रही, इच्छा नहीं रहता, सर्व समस्त प्रकार के भोग आदि जो है उसके क्या हो गया, पूरा हो गया है। इसी कहा जाता है आप्तकाम। और अकृतज्ञ किसको कहा जाता है, किए हुए उपकार के जो स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते हैं, अकृतज्ञ कहा जाता है, है? इसके छोटा एक उदाहरण देता हूं, गुरुदेव एक बार सुनाया था,
एक राजा के नाई था है? और वो नाई ने कुछ ऐसे कर्म किया जिसके जिसके लिए उनको जो है प्राण दंड देना है। मंत्री लोग ने कहा, महाराज ये नाई को जो है आप प्राण दंड दीजिए। किंतु देखो, राजा ने वो नाई को जो है बचपन से ही अपने पुत्रवत लालन पालन करते थे। भाई देखो, राजा के नाई होते ना बहुत विश्वस्त होना चाहिए कि नहीं चाहिए है? नहीं तो यहाँ पर चले खुर दे कर दे गए है? अरे नाई जो होता है बहुत विश्वस्त होनी चाहिए है कि नहीं, आप बताओ। चलो, राजा के बहुत प्रिय भी और बचपन से राजा उनको पालन पोषण किया अपने पुत्रवत। किंतु देखो, अभी ऐसे समय आ गए, सारे मंत्री लोग बोले नहीं महाराज, आप राजा है, निरपेक्ष आपको विचार देना पड़ेगा है? राजा राज सिंहासन में बैठते हैं तो कोई पुत्र और अपने मित्र आदि नहीं देखते, उसके न्याय विचार देना पड़ता है। महाराज इसको जो है क्या करें, मृत्यु दंड दीजिए। राजा विचार करने लगे क्या करें अभी है? मेरे पुत्र बात नाई को मैं कैसे मृत्यु दंड दूं है? अंत में भाई मंत्रीगण है सभी लोग जब कहने लगे, बोले महाराज इसको क्या करें जाए, शेर के जो है पिंजरे में छोड़ दिया जाए है? देखो वो नाई को क्या, नाई को क्या की, शेर के पिंजरे में छोड़ दिया है? और नाई वहां पर बैठे रहे, शेर आकर के उनके शरीर ऐसे सूखने लगे है? और सूख करके चार तारी तरह घूम घाम करके और उनके पास बैठे रहे है? खाया ही नहीं उसे, कुछ नहीं किया है? सब लोग बाहर से देखने लगे, देखो शेर उनको खाए नहीं है? इसके पश्चात एक डेढ़ घंटा हो गया, दो घंटे हो गए है? देखो शेर जब उनको नहीं खाया, मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि जब नहीं हुआ तो क्या करे। तो बोले राजा ने कहा, मंत्री लोग बोले महाराज इसको बाहर लेकर गई, मृत्यु दंड तो एक बार दिया जाता है, आ समझ में, दो बार मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, है? अच्छा, जब उसके बाहर लेकर क्या है, सभी राजा से सभी लोग उनके पूछने लगे, आचो बताओ ये शेर आपको क्यों नहीं खाए, बस कुछ नहीं कहा क्यों? तो नाई कहने लगे, महाराज सुनिए, आज से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता के दो चार दिन पहले मैं जंगल में गया था और जंगल में देखा एक शेर जो है उसके क्या बोले था, में हिंदी में था बोलते पौज पंजे में कुछ रक्त जो है निकाला था और लथपथ हो रहा था, उस शेर ऐसे ऐसे डर रहा था, बहुत निस्सहाय हो करके शेर के पास कौन जाए है? मैं दूर से देखा उस शेर के जो पंजे में जो है कुछ कांटा लगा हुआ है, किंतु शेर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई उनकी सेवा कोई कुछ है सहायता करे। देखो वो कहने लगे, नाई कहने लगे, मैं अपने जीवन को दांव लगा करके उनके पास गए है? और फिर मैंने किया कि सुई और क्या बोलते हैं चिमटा आदि के द्वारा उसके कांटे को सब निकाल दिया, खून जो निकालने लगे सर उनके जो है, और मैं कुछ पत्ता आदि दे करके उससे उसको लगाया, फिर अपने कपड़ा के जो है फाड़ करके उसको बैंडेज कर दिया है? देखो, और फिर वो शेर जो है जाने के समय मेरे तरफ एक बार देखा और मेरे शरीर को सूंघा, शेर चला गया। महाराज आप सुनिए, आप अपने लोगों के बताइए ये शेर वही शेर है कि नहीं है? देखिए महाराज उस शेर के अभी तक उसके पंजे में भी घाव है, वो
गुरुदेव इस कथा को सुने, देखो कैसे कृतज्ञ है, थोड़ी सी किए हुए उपकार के जो है देखो कैसे किए। इसलिए महाराज शेर विचार करने लगे, यह व्यक्ति मुझे प्राण को रक्षा की और मैं इसको कैसे खा लूं। एक पशु में, कभी कभी एक पशु में भी ऐसे कृतज्ञता दिखा जाता है। कुकुर जिस कथा प्रसंग आ रहे, कभी कभी जो है ऐसे दिखा जाता है, ऐसे कोई कहानी नहीं है, कभी कभी सत्य रूप में भी दिखाई पड़ता रहता है। ये देखो एक हिंस पशु में भी कभी कभी ऐसे कृतज्ञता दिखाई पड़ता रहता है। तो इसी प्रकार भी कह रहे हैं, ये किए हुए उपकार भी स्वीकार करते हैं उसे कृतज्ञ कहते हैं, और किए हुए उपकार भी स्वीकार नहीं करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कृतघ्नो वा अकृतज्ञ कहा जाता है। और सातवां प्रश्न क्या था, गुरुद्रोही वा अपराधी। देखो इस संसार में हजारों माता पिता के स्नेह के एक तरफ रख दीजिए और सद्गुरु के स्नेह ममता प्रीति के एक तरफ रख दीजिए, तथापि बराबर नहीं होगा। हम लोग समझ नहीं पाते हैं किंतु जब अनुभूति होगा धीरे धीरे भजन करते करते तब समझेंगे गुरुपाद में है। कहां विषय क्रीड़ा में हम पड़े हुए थे और वे कृपा करके मुझे कहां उठाया ये कब समझेंगे, जब भजन करते करते संबंध ज्ञान, और संबंध ज्ञान के बाद जब अनुभूति तब जब समझेंगे गुरुपाद में करुणामय है। अभी हम नहीं समझ नहीं पाते ये गुरुपाद में करुणामय कितना है, निस्वार्थ रूप में मुझे कितना सहायता करता, परमार्थिक जीवन। इसलिए तो कहते भक्तिवंत प्रभुपाद कहते हैं एक जीव के जो है संसार कारागार से मुक्त उद्धार करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 400 गैलन खून तुम्हें देना पड़ेगा। अच्छा ये कब अनुभव करेंगे, जब हम गुरु की कृपा अनुभव करें। आ तो सोचता ये तो ऐसे बोलने वाले हैं, कितने लोग सुनाने वाले कितने हैं कोई कहते हैं अरे ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, नहीं, गुरु के कार्य होता है ये कैसे जीव भगवान की सेवा करे। इसलिए कहते हैं इतने सहज नहीं, एक जीव का जो है संसार भी महाकारागार से उद्धार करके भगवान की तरफ यदि भेज दे, कहते तुम्हारे प्रचार सार्थ हो जाए एक जीव के, हजारों जीव तो आते रहते हैं किंतु इतना सहज नहीं है, कितने उनके कठोर परिश्रम करना पड़ता है, उनके लिए कितने खून देना पड़ता है। कथा बोलने में कष्ट नहीं होता है, कथा बोलने में कितने कष्ट होता है कीर्तन, इसलिए कहते हैं महाप्रभु क्या कहा आप बताओ, कीर्तन यार परिश्रम जाने गौर राय, जो कीर्तन करते हैं ना उससे कितना परिश्रम होता है वो महाप्रभु छोड़कर कोई नहीं जानते। चलो एक कथा मैं सुना देता हूँ, कथा समाप्त हो गया। गुरुदेव के कमरे में एक भक्त आए, कहने लगे गुरुदेव आज के कीर्तन जो कृष्णदास जो कीर्तन किया बहुत सुंदर था। महागुरुदेव ने कहा मैंने क्या किया, आए समझ में, देखो गुरुदेव की विचार समझो वो कह रहे हैं गुरुदेव जो साक्षात मैंने जो श्रवण किया, महाराज भी थे उस समय कहते गुरुदेव कृष्णदास जो कीर्तन किया बहुत सुंदर था। गुरुदेव कहने लगे मैंने क्या किया,
मैंने कीर्तन नहीं किया, अरे कथा कीर्तन नहीं है, अरे हरि कथा बोलते तो कीर्तन है कि नहीं आप बताओ। सुखदेव गोस्वामी पाद उदाहरण क्या, कीर्तन है श्रवण है परीक्षित और कीर्तन है बयासुखी माने सुखदेव गोस्वामी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं किंतु इसके बहुत लोग समझ नहीं पाते। लोग ये समझते हैं कीर्तन क्या है, जो ताल लय मान दे करके मृदंग आदि दे करके बहुत सुंदर सुरेली आदि करें वही कीर्तन है, और जो भागवत कथा बज रहे हैं इधर उधर बोलते वो क्या है, कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। देखो गुरुदेव की कितने सुंदर सूक्ष्म विचार है, है? इसलिए कहते हैं कीर्तन यार परिश्रम जाने गौर राय, कीर्तन करने से भगवत कथा जो कीर्तन आदि करते सभी एकत्रित जो नाम संकीर्तन आदि करते हैं मृदंग बजाते हैं ये सब क्या है कीर्तन में आता है। ऐसा वास्तव सत्य है कि नहीं? इसलिए गुरु वैष्णव जो हमें हरि कथा आदि श्रवण कराते हैं हमारे आत्म कल्याण के लिए है? जन्म जन्मांतर में जा करके वो हम अनुभव करेंगे है? आज समझे इतने सुंदर जो कथा है, क्योंकि कथा तो बेकार नहीं है, वो जन्म जन्मांतर में जा करके वो तुम्हें क्या होगा फलीभूत होगा है। देखो हम इसलिए कह रहे हैं जो गुरु वैष्णव है हमारे लिए इतने परिश्रम करते हैं है? आ समझे उनके लिए हमें क्या होनी चाहिए है कृतज्ञता प्रकाश है। और ऐसे गुरु के जो द्रोह आदि करते हैं, द्रोह माने उनकी अवज्ञा आदि करते हैं है? उनके कौन सा गुरु, वो अपराधी बन जाता है, है? अपराधी बन जाता है। इसलिए ऐसे अपराधी के साथ स्नेह प्रीति आदि करने से तुम्हें कोई फल प्राप्ति नहीं होगा। ये गुरु अपराधी, जैसे देखो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, थोड़ी सी कथा सुना देता हूं। जैसे गुरुदेव सुना, हम अपने कुछ नहीं बता रहा हूं, गुरुदेव से जो सुना। कोई एक मठ के जो है गुरु जो है, यही हमारे गौड़ीय मठ का है, दूसरे नहीं माने, उन्होंने क्या की, बोले गुरुदेव ये आचार्य पद हमें देना चाहिए है। गुरुदेव जानते हैं ये तो योग्य नहीं है, योग्य व्यक्ति के दिया जाता है, है? तो गुरुदेव ने किया कि उसको दूसरे को आचार्य पद दे। देखो वो उनके इतना क्रोध आ गया गुरु के, बोले ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ऐसे गुरु के क्या करता हूं कुल्हाड़ी से गला काट दूंगा। देखो है? नाम तो हमारे लेना की जरूरत नहीं है, है? शायद जो लोग पुराने भाई जानते होंगे शायद है। देखो उस दिन भगवान की इच्छा से, भगवान जिसको शुद्ध भक्त के बजाते हैं ना, और उस समय वो गुरुदेव क्या करते उल्टा करके सोए गए थे है? वो सोचा है, ये कुल्हाड़ी दे करके गुरुदेव के धड़ को मैं अलग कर देता हूं है। हाँ सुनिए, गुरुदेव सोए हुए थे और कपड़ा है ये करके है चादर जो है ठंडी के समय था जैसे भी हो, और देखो उन्होंने क्या कि भाई कुड़ाली जो है वो मारा तो पैर की तरफ मारा, वो तो पैर की तरफ, उसके पता नहीं है ये उनकी ये पैर है, पैर की तरफ मारा, किंतु देखो भगवान तो बचाते हैं ना है, और कुड़ाली दे करके ऐसे मारा है, उसके हाथ से कुड़ाली छूट गया और गए जाकर के वो चादर आदि जो तो गद्दा आदि सन उसको कर रहा है गुरुदेव के, बिल्कुल कुछ खरोच तक भी नहीं था, बोलो वृंदावन विहारी है। ऐसे भी लोग होते ये गुरुदेव हमारे मुझे जब ऐसे पद नहीं दिया तो गुरु के क्या करूं। अच्छा ऐसे उदाहरण है, है? ऐसे उदाहरण है देखो है। अच्छा ऐसे व्यक्ति के भजन कैसे होगा, उसके उद्धार कौन करेगा, तथापि गुरुपाद पद्म स्नेह वत्सल शिष्य वत्सल, गुरु के हृदय में रहते हैं, गुरु वो शिष्य के कभी त्याग नहीं देते है। आज मुझे
माता पिता से हम उनके एक कथा कहावत होता है, कुपुत्र कभू यदि है कुमाता कभी नहीं है। उसी प्रकार सदगुरु है, देखो शिष्य यदि ऐसे भी हो है, गुरुद्रोही हो, तथापि क्या करते हैं, तथापि उनके कल्याण के लिए गुरुदेव चिंतन करते हैं, भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं है। हमने सुना उन्होंने अपने गुरु अपने शिष्य भगवान के प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारे शिष्य के आप सदमति दीजिए है। देखो इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, देखो गुरुद्रोही व अपराधी है। और फिर कहते हैं गुरु द्रोहकारी भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है हेतु और एक होता है निर्हेतु है। हेतु को दिखाई पड़ता है गुरु है। अच्छा हेतु हेतु क्या होता है, है? कारण है? अपने स्वार्थ जब रहता है तब गुरु के प्रति वो क्या करते हैं, द्रोहाचरण करते हैं है? और जब निर्हेतु बिना कारण से, कुछ लोग ऐसे होता है बिना कारण से ही वो द्रोहादि करते हैं, आ समझे, हिंसा आदि करते रहते, कोई जरूरत नहीं है, है? और एक था क्या, निर्हेतु हेतु और अहेतु है, कारण भी बनता है, कभी कभी कारण बन जाता है, वो गुरुद्रोही बन जाता है, ऐसे भी संसार में। ये जो नौ प्रकार के प्रश्न गोपियाँ ने कृष्ण के कहा, कृष्ण कहने लगे देखो इसमें मैं एक भी नहीं हूं, देखो अच्छे वे बताओ, काल जो श्रवण किया था आत्माराम अप्त कामत के ऊपर, ये विशेष प्रयोजनीयता है, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह कहते देखो ये गोपियों आत्माराम और अप्त कामता जो है मेरे नारायण स्वरूप में रहता है, किंतु नंदनंदन के रूप में मेरा आत्माराम होता है आत्मा कामता नहीं रहता है। देखो एक विचार जी विषय, नंदनंदन के रूप में मैं ये नहीं रहते, नारायण के रूप में जब मैं हूं वो रहता है। जैसे देखो श्रीमद् भागवत में कृष्ण प्रसंग में आ रहे, कृष्ण जब राशि अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां जब रोने लगी, उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछा, ये कृष्ण अभी राधा जी अभी कोई एक विशेष गोपियों के साथ राधा जी के साथ प्रेम विहार आदि करें, और ये समस्त गोपियां तड़प रही है, क्या कृष्ण जानते नहीं है, क्या कृष्ण नहीं सुन रहे? तो सुखदेव गोस्वामी पाद एक सुंदर उत्तर दे दिया, क्या बोले, यथा आकाशवत, जिस प्रकार आकाश सर्वत्र है भगवान भी सर्वत्र है, है? तो यदि कहो तो भगवान सर्वत्र रहते हुए ये गोपियों की प्रेम विरह की कैसे सुन रहे, क्यों नहीं आ रहे, गोपियां भी यही प्रश्न पैसे पूछा है। देखो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया है, कृष्ण ये उत्तर दे रहे, ये देखो यद्यपि मैंने कहा नारायण रूप में आत्माराम आप्तकामता रहे, किंतु नंदनंदन रूप में आत्मारामता आत्मकामता नहीं है, किंतु तथापि कृष्ण फिर कह रहे हैं मेरा नंदनंदन रूप नारायण रूप में भी आत्मनामता और आत्मा कामता कभी नहीं रखते है। श्री विश्वनाथ फिर कह रहे हैं जैसे गजक ग्रह के उद्धार किया कि नहीं किए, वो कौन आए थे, गज के जो है उद्धार करने के लिए कौन आए थे, नंदनंदन नहीं आए है। एक फूल के जब ऊपर उठाया सूर के देकर हाथी जब दिया, जो भगवान साक्षात रूप में प्रकट हुए और क्या किया उन्होंने, ग्राहक बोले ग्राहक
मगर मच्छर को देखो चक्र के द्वारा उसको काट, और ग्राहक एक क्या बोले गजेंद्र के उद्धार किया। क्योंकि भगवान में जैसे कोई भक्त सामान्य छोटा सी भी भक्त किसी प्रकार भगवान की पुकारे भगवान छोड़ते नहीं। गीता में भगवान तो वही भी कहते हैं अपिचे शूद्राचार्य भजते मां अनन्न भाक साधुरेव सम्मन्तव्य सम्मग व्यवसिते ही सब। जो अति दुराचारी भी हो तथापि एकांतिक होने के नाते, अर्थात मेरे चरण में एकांतिक होने के नाते मैं इसके त्याग नहीं था। कितना सुंदर है। और नंदनंदन रूप में मैं कैसे आत्माराम आप्त काम हो जाए। देखो कितने सुंदर यहां पर कहते जा रहे हैं। यहां पर भगवान भी कह रहे हैं, जो गोपियां कहने लगे आशा बताओ तो हम लोग के कष्ट क्यों दिया, ये नौमी जिद नहीं हो तो उसमें भगवान कहने लगे देखो हे गोपियों वास्तव रूप में आप लोग के प्रेम को मैं दर्शन कर रहा था और उस प्रेम कैसे दर्शन कर रहा है ये मेरे प्रति आप लोग की प्रीति कितना है। अरे समय हो गया चलो। जथा धनु लब्ध वा विनिष्ठे, जैसे किसी के प्राप्त धन अनेक दिन उसको भोग किया और अकस्मात वो धन क्या हो गया गायब हो गया, तो वो क्या करते हैं उस धन के लिए सदा सर्वदा चिंतन करते रहते हैं। कृष्ण कहने लगे आप बताओ सबसे बड़ी धन कौन है, मैं हूं, मैं आप लोग के तरफ वही देख रहा था जो मेरे प्रति आप लोग की कितना प्रेम है। आगे की कथा काल हम श्रवण करेंगे। वंशा गुरु कृपा सिंधु बचो पदितानं पावने भो वैष्णवे महाराज की।